प्रिंट ब्रेकिंग न्यूज। बहरापन और कान के तमाम प्रकार के रोग अब असाध्य रोग नहीं रहे हैं। सुनने की क्षमताएं अचानक कैसे बढ़ती है, ट्रीटमेंट कितनी सरलता से होती है, देखें वीडियो। राम सर, कहां से आए हैं आप लोग? आप बोलिए। हाँ सर, हम जलगांव महाराष्ट्र से आए हैं। आपके भाई को ट्रीटमेंट करके आपको कैसे लग रहा है? हाँ सर, ये मेरा भांजा है। भांजा तो ट्रीटमेंट किया हमने, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट लगा। अभी तक का सफर बहुत ही अच्छा चल रहा है। वाह भाई वाह। और हम एक होप रखते हैं, आशा रखते हैं कि अभी तो हो ही गया है और आगे भी बहुत बढ़िया होगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और सर, ये एक नई खोज है। बहुत जगह उपचार किए, महाराष्ट्र के नासिक भी गए, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, एयर स्पेशलिस्ट को दिखाया, माता जी को बतूरा किया, कुछ नहीं हुआ। बट सर, रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन कहीं से आपका ये जो था, ये हमको मिला जाएगा। और वो हमने कलेक्ट करके उसका डीप में इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे आपके जो वीडियोस थे वो देखे, और आपका जो एक इंटरव्यू था सर कोई गुजराती न्यूज चैनल पे, बीटी में। या आई नो गुजराती। अच्छा। तो हमने देखा तो मेरे भांजे ने बोला कि मामा कैसा है, आप जरा उसका इन्वेस्टिगेशन करो। मैंने सब तपास किया और एक फिर आपके कॉल सेंटर पे फोन भी किया, मैडम से बात हुई और कल मॉर्निंग में आपसे रूबरू बात हुई। हाँ। और आपने भी ब्लेसिंग दिए थे हमको, और वो एक होप के साथ हम यहाँ पे आए इतनी दूर से जर्नी करके। और यहाँ आने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हमको वेलकम अच्छा हुआ, ऐसा घर जैसा फीलिंग हुआ यहाँ। अरे वाह, लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर बैठे या किसी हॉस्पिटल में बैठे। अभी मेरे सिस्टर का भी फोन आया था, उनको मैंने बोला कि एकदम घर में ऐसा ही बोला। मेरी वाइफ का फोन आया, उनको बोला कि हॉस्पिटल जैसा कोई क्लाइमेट ही नहीं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि हम जस्ट किसी के यहाँ मेहमान बन के आए हैं। अच्छे से खातिरदारी हो रही है। बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, रियली अच्छा, बहुत पसंद है। आप तो बहुत डर रहे थे सर, है ना? हम डर के सब फर्स्ट टाइम मिले। हाँ नहीं, वो सभी लोगों ने उल्टा बोला कि कभी नहीं हो ठीक, इसलिए गड़बड़ हो गया था। सर एक्चुअली सर एक जस्ट एक पॉइंट, चिंता जो पहले हमारे मन में डाउट था वो पैसों का नहीं था सर। हाँ नहीं, मुझे मालूम है वैसे का नहीं था सर, वो ज्यादा चीज नहीं, पैसे तो नसीब से आदमी कमाता है। आज यहाँ नहीं, दूर से आए हैं सर, ये तकलीफ रिजल्ट की अपेक्षा लेके आए थे सर। अरे तीनों वाले गाँव से संबंध है, एक जलगांव से, एक कुकरमुंडा से। अरे वाह, मतलब तीनों जगह पे तुम्हारा नाम निकलेगा। रिजल्ट आशा से भी ज्यादा अच्छे आए हैं। अच्छा है सर, अच्छा है। हाँ क्या वाला भैया, कैसे हो? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया, अच्छे से सुनाई दे रहा है। क्या आशीर्वाद देना है, क्या बोलना है, बोलिए सर। आपका एक सेंटर है, मेरे पहले कॉल गया था तो आपने बोला, मैंने पूछा था आपको आपका सेंटर कहीं है क्या, आपने बोला था नहीं, बोला हमारा सेंटर हम दबा दिया। तो मैंने यही को बोला कांटेक्ट करो, मामा को बोला कांटेक्ट करो, ये दोनों मेरे को इधर लेके आए, उनके बहुत बहुत आभारी और तुम्हारे भी बहुत बहुत आभारी। थैंक यू बेटा। पर एक बात है, यू आर वेरी हैंडसम। हाँ अभी दांत दिखा के बहुत बढ़िया बोलते हो, अभी चिंता मत करना, डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, अभी नहीं आएगा ना? नहीं। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मेरे जिंदगी के तुम बेस्ट फ्रेंड हो, जब भी चाहे लाइफ टाइम फ्रेंडशिप है तुम्हारी, जब चाहे मेरा उपयोग कर सकते हो, जब चाहे आ सकते हो, जो काम हो बोलना मुझे, मैं करके दूंगा। मेरे अच्छे दोस्त बनते हैं मेरे को, मालूम है आज एक अच्छा फ्रेंड मिला है, फ्रेंडशिप मिली है मुझे, आप लोगों की दोस्ती मिली। आपके शहर में कोई भी कैंप लगाना हो, कुछ भी प्रोग्राम करना, आप हमें कांटेक्ट करो, हम करके देंगे। बहरे मोंगों की स्कूल में जाके करके देंगे, हमने भीलवाड़ा भी किया ना प्रोग्राम। अच्छा, आपने देखा होगा। ओके सर। और बहुत जोरदार प्रोग्राम किया था। एक्चुअली मेडिसिन लेने में हर कोई पेशेंट जो है वो कतराता है, आधा कोर्स लेके छोड़ देता है। सही बात है, उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, बराबर है अभी तो। और अगर प्राइवेट में करो तो कॉस्टली होता है, एक बात। और कॉस्ट नॉर्मल जो पीपल होते हैं पुअर पॉपुलेशन में से आती है, उनको ये पॉसिबल नहीं कि वो आए और आपके पास। तुम्हारे सबसे बड़े बोर्ड का बहुत काम है। हाँ बोर्ड सबसे बड़े तो कागज, मतलब मेरा दोस्त है, मतलब मेडिकल वाला, इन्हें इसको बताया, ये भाई ने मुझे बताया, वो कागज मिले आपको। अरे हुआ क्या है मालूम है सर, पहले हम लोग जो कागज छापते थे उसमें सरकार ने, सरकारी हमारे एफडीए वालों ने ऐसा ढूंढ निकाला कि एलोपैथी के अंदर डेफनेस इज नॉट ए क्योरेबल डिजीज, और तुम क्योर करने का दावा करते हो, कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई हमारे तो रोज ही होता है। तो फिर मुझे समझाया कि आपको वो वर्डिंग निकाल दो क्योर कर की बात, तो हमने इम्प्रूव योर हियरिंग लॉस, अभी नया देखा होगा। पढ़ा मैंने। हाँ
ये संसार में मेडिकल लाइन में पहली दफा पॉसिबल हुआ है कि बिना मशीन बिना ऑपरेशन के असंभव रोग को संभव ठीक कर दिया। ये नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट भी मेडिकल में भी क्योरेबल नहीं है, इसका इलाज भी बात करने से लोग घबराते हैं। कोई बेरा आपको कितना डर लग रहा था कि बेरस को मिटेगा मिटेगा, अरे भाई एक घंटे का काम है। चलो अच्छा हुआ यार आप आए, मज़ा आ गया। आई एम फील प्राउड कि आपने नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे ऊपर विश्वास किया यार। सबसे बड़ी क्या बात है मालूम है आपको, मैं सबको कहता हूँ कि हमारी नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। मेडिकल में सब जाते हैं और यहाँ तो कुछ भी नहीं, लग्जरियस एकदम मित्र की तरह एकदम बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें, आगे बताएं और अपने कर्तव्य निभाइए कि बहरापन संसार से कैसे अलविदा हो रहा है। धन्यवाद।